तो खबरों की शुरुआत करते हैं आज पहली बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखने के लिए जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे अहमदाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर खुद पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। दोनों साबरमती आश्रम पहुंचे, खुली गाड़ी में रोड शो भी किया। लेकिन अहमदाबाद की एक तस्वीर जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है, वो है मोदी का मस्जिद के अंदर जाना। दरअसल शिंजो आबे के साथ मोदी आज सिद्दी मस्जिद गए। असल में इसी अहमदाबाद में 6 साल पहले मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार करने और आज मस्जिद जाने तक मोदी राजनीति का एक बड़ा सफर तय कर चुके। वोट और वक्त का तकाजा ही है कि हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर सुल्तान आज उस चार दीवारी के अंदर मौजूद था जिसे मस्जिद कहते हैं। 500 बरस पुरानी इस मस्जिद की पश्चिमी दीवार की खिड़कियों पर उकेरी गई जालियां और उसमें एक दूसरे से लिपटी शाखाओं वाले पेड़ उतनी ही उत्सुकता पैदा कर रहे थे जितना मोदी का मस्जिद के अंदर जाना। मस्जिद के अंदर मोदी का यूं जाना, यूं घूमना, यूं हंसना, यूं हाथ मिलाना, यूं गाइड बनना, ये सब कुछ यूं ही नहीं था। एक वक्त में मुस्लिम टोपी पहनने से परहेज करने वाले मोदी का ये हृदय परिवर्तन एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये सबका साथ सबका विकास के नारे को आत्मसात करने का सबसे बड़ा सबूत है। अब जरा याद कीजिए इस तस्वीर को। 6 साल पहले इसी अहमदाबाद में उपवास पर बैठे थे मोदी। तब गुजरात की गद्दी पर विराजमान मोदी ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार क्या किया, तहलका मच गया हिंदुस्तान की सियासत में। लेकिन वक्त बदला, मोदी की कुर्सी बदली तो बदल गई तस्वीरें। मुस्लिम टोपी पहनने को लेकर विरोधियों का ब्रह्मास्त्र झेल चुके मोदी आज साक्षात उसी अहमदाबाद की एक मस्जिद में मौजूद थे। मस्जिद के अंदर लाल कारपेट बिछी हुई थी। बदन पर शानदार लिबास ओढ़े प्रधानमंत्री मोदी अपने जापानी दोस्त शिंजो आबे के साथ मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ते गए। अदब के साथ मस्जिद के अंदर दाखिल हुए मोदी नंगे पैर थे। शानदार नक्काशी के लिए मशहूर सीदी सईद मस्जिद में न कोई मजार है न मकबरा। मस्जिद में न मीनारे हैं न ही ये मस्जिद मुकम्मल तौर पर बनी हुई है, लेकिन इसकी खूबसूरती इतनी विख्यात है कि मोदी जापानी प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ पहुंचे इसी मुगल कालीन मस्जिद। ये जानते हुए भी कि मस्जिद में उनका जाना कई सियासी सवाल खड़े कर सकता है। दरअसल साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तमाम दल सियासी जोड़ घटाओं में जुटे हैं। हर दृश्य को, हर तस्वीर को सियासी आईने से परखा जा रहा है। ऐसे में मस्जिद के अंदर मौजूद मोदी के नंगे पैर वाली तस्वीरों का अपने अपने हिसाब से विश्लेषण हो रहा है। दरअसल बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखने के लिए जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे अहमदाबाद पहुंचे हैं, जहां मोदी ने खुद उनका स्वागत किया। दोनों प्रधानमंत्रियों के लिए भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। गांधी आश्रम भी पहुंचे दोनों प्रधानमंत्री, लेकिन सियासी फलक पर तो मोदी के मस्जिद वाली तस्वीर ही चमक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अहमदाबाद के बाद अब खबर दिल्ली से। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों के नतीजे ने सबको चौंका दिया। कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने RSS समर्थित छात्र संगठन ABVP को करारा झटका देते हुए जबरदस्त वापसी की। करीब 4 साल बाद NSUI ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की 2 सीटें हासिल की। हालांकि ABVP के हिस्से में भी 2 सीटें आई हैं, लेकिन केंद्र और राज्य की राजनीति में हाशिए पर खड़ी कांग्रेस को इस जीत में एक बड़ी कामयाबी दिख रही है। ये जश्न यूं ही नहीं, इस जलसे के कई मायने। आंखें तरस गई थी ऐसी तस्वीरें देखे हुए। अरसा बीत गया था दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में हाथ छाप वाले झंडे को इस तरह से लहराते देखे हुए। यकीन मानिए, छोटे चुनाव में ये बड़ी जीत कांग्रेस के आत्मविश्वास को आसमान में पहुंचा गई। यूं तो सिर्फ 2 सीटें हाथ लगी हैं NSUI को, लेकिन दिल्ली और केंद्र की सियासत में हाशिए पर पड़ी कांग्रेस के लिए 2 सीटें भी सुकून देने वाली। पूरे 4 साल बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सीटें NSUI की झोली में आई। कांग्रेस इसे सरकार के खिलाफ युवाओं का आक्रोश बता रही। डूसू के अध्यक्ष बने रॉकी तुसीद के लिए जीत इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इनका नामांकन ही कानूनी पचड़े में फंस गया था। दरअसल DU मुख्य चुनाव अधिकारी ने रॉकी का नामांकन रद्द कर दिया था, जिसके बाद NSUI ने निर्दलीय अलका के लिए प्रचार शुरू कर दिया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने
रॉकी की उम्मीदवारी को मान्य करार दिया। एनएसयूआई के प्रेसिडेंट कैंडिडेट बदलने पर डीयू के छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई, लेकिन जबरदस्त कैंपेन स्ट्रेटजी के जरिए रॉकी इस चुनाव के रॉकस्टार बन गए। हम अध्यक्ष पद भी जीते हैं, उपाध्यक्ष भी पद जीते हैं और जॉइंट सेक्रेटरी पद का पद भी हम जीते थे, मगर जिस प्रकार से जो शंका के दायरे के अंदर बारी बारी रिकाउंट का दो बार रिकाउंट करा के हराया गया। पिछले चार सालों से डूसू में करीब करीब एक क्षेत्र राज करने वाले एबीवीपी को इस बार झटका जरूर लगा है, क्योंकि इस बार सिर्फ सचिव और संयुक्त सचिव का पद ही बच सका। हालांकि डीयू में भले ही एबीवीपी को झटका लगा है, लेकिन चार दिन पहले पॉजिटिव खबर जेएनयू से आई। पहली बार वामपंथी संगठनों को एबीवीपी ने कड़ी टक्कर दी, तो वहीं जेएनयू में नोटा से भी छोटा का तंज सहने वाली एनएसयूआई ने डूसू में वापसी कर एबीवीपी को बड़ा झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं अब अगली खबर वीआईपी सुरक्षा से जुड़ी हुई। वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार बड़े बदलाव करने के मूड में। कई पूर्व मुख्यमंत्रियों से लेकर कई पूर्व केंद्रीय मंत्रियों तक की सुरक्षा में कटौती की तैयारी चल रही है। इसमें लालू यादव से लेकर मुलायम मायावती और करुणानिधि तक शामिल है। दरअसल इन्हें सत्ता से बेदखल हुए बरसों बीत गए, लेकिन इनका रसूख और रुतबा आज भी कायम है। उनकी सुरक्षा में लगे कमांडो पर रोजाना लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लिहाजा खुफिया इनपुट के आधार पर इनकी सुरक्षा घटाने की तैयारी चल रही है। चारों ओर कमांडोज का घेरा और बीच में नेताजी की धमक, ऐसी तस्वीरें हमारे देश में आम है। वीवीआईपी के नाम पर लंबा चौड़ा सुरक्षा दस्ता लेकर चलना नेता के बड़े होने की पहचान है। फिर चाहे सत्ता से बेदखल हुए भी बरसों बीत गए हों, लेकिन रसूख और रुतबा तो आज भी बरकरार है। लेकिन कई नेताओं का ये रुतबा अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की सुरक्षा या तो वापस ली जा सकती है या फिर उसमें भारी कटौती हो सकती है। केंद्र सरकार ने इस पर मंथन भी शुरू कर दिया है। बुधवार को दिल्ली में वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में कई घंटे बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय की बैठक में कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर वीवीआईपी सुरक्षा की समीक्षा की गई। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती, बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव और जीतन राम मांझी, तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि की सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडो को वापस लेने पर विचार कर रहा है। देश में नेताओं और वीआईपी को कई श्रेणियों के तहत सुरक्षा कवर दिया जाता है। जेट प्लस श्रेणी के तहत सुरक्षा में 20 जवान तैनात किए जाते हैं, जबकि जेट श्रेणी के तहत 15 गार्ड सुरक्षा कवर में लगाए जाते हैं। एक्स और वाई श्रेणी में जवानों की संख्या और कम हो जाती है। फिलहाल सीआरपीएफ 75 वीआईपीज को, जबकि सीआईएसएफ 70 और आईटीबीपी 15 वीआईपीज को सुरक्षा कवर मुहैया करा रही है। इसके साथ ही 12 वीआईपीज को एनएसजी के कमांडो मिले हुए हैं, जबकि 200 लोगों को दिल्ली पुलिस सुरक्षा कवर दे रही है। किस नेता को किस श्रेणी के तहत सुरक्षा कवर मिले, इसका फैसला गृह मंत्रालय खुफिया एजेंसियों के इनपुट और खतरे के आकलन के बाद करता है। ऐसे में खुफिया एजेंसियों के ताजा इनपुट के बाद हो सकता है कि गृह मंत्रालय कई पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा पर कैंची चला दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं अब अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा की खट्टर सरकार का विवादों से नाता छूट ही नहीं रहा है। राम रहीम और रियान स्कूल कांड पर घिरी सरकार के लिए अब एक अधिकारी का ट्रांसफर गले की फांस बनता जा रहा है। याद होगा आपको कि पिछले महीने चंडीगढ़ की सड़क पर एक लड़की से छेड़खानी हुई थी। छेड़खानी के आरोप में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे की गिरफ्तारी भी हुई थी। छेड़खानी की शिकार उस वर्णिका कुंडू के आईएएस पिता का खट्टर सरकार ने तबादला कर दिया है। घटना के महीने भर के अंदर अधिकारी के ट्रांसफर ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। मेरी लड़ाई किसी राजनेता के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई दो अपराधी युवकों के साथ है जिन्होंने मेरी बेटी को परेशान किया, और वो किसी भी बेटी को परेशान कर सकते हैं। इतने दुस्साहस के साथ कानून को तोड़ रहे हैं, तो उसको सजा दिलवाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेटी के सम्मान के लिए जब एक आईएएस पिता ने नौकरी की परवाह किए बिना आवाज उठाई तो कई लोगों की कुर्सियां हिल गई। चंडीगढ़ से दिल्ली तक हंगामा खड़ा हो गया। चलती कार में अकेली लड़की को अगवा करने की कोशिश करने वाला बड़े नेता का बेटा जेल पहुंच गया। लेकिन ये तो सिर्फ कहानी का एक पहलू है। सरकार और सिस्टम से टकराना कितना मुश्किल होता है, इसका एहसास चंडीगढ़ की सड़क पर छेड़छाड़ का शिकार हुई वर्णिका के परिवार को महज एक महीने में ही हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने वर्णिका कुंडू के पिता अतिरिक्त मुख्य सचिव वीएस कुंडू का ट्रांसफर कर दिया। अभी तक पर्यटन जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे वीएस कुंडू को अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का जिम्मा सौंपा गया है।
उन्होंने सारे रास्ते, जब तक उन्होंने मुझे फॉलो किया, जब तक पुलिस ने उन्हें पकड़ा नहीं है, वो सारे रास्ते मेरे को डरा के रोकने की कोशिश कर रहे थे। दो बारी वो गाड़ी से भी उतर के आए, उन्होंने मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश की, बट क्योंकि लॉक थी गाड़ी, सेंट्रल लॉकिंग थी, इसलिए उनसे नहीं खुला। आईएएस अफसर वीएस कुंडू की बेटी वर्णिका के साथ 4 अगस्त की रात चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला ने छेड़छाड़ की थी। वर्णिका ने पुलिस में शिकायत की तो नेता के बिगड़ैल बेटे को पुलिस ने चंद मिनटों में जमानत दे दी थी, लेकिन मामला मीडिया में उछला तो खट्टर सरकार की खूब फजीहत हुई। सरकार बैकफुट पर आ गई और जमानत देने वाली पुलिस ने ही विकास बराला को दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मीडिया के कैमरे और माइक के सामने वर्णिका को प्रदेश की बेटी तक कहा गया, लेकिन महीने भर बीतते बीतते सरकार अपने रंग में आ गई और बेटी के सम्मान के लिए आवाज उठाने वाले पिता का तबादला कर ये बता दिया गया कि सरकार से टकराने का अंजाम क्या हो सकता है। अभी निश्चित तौर पर वो सलाखों के पीछे है, लेकिन सजा जो लड़की है उसके बाप को, उनके पिताश्री को, कुंडू साहब को इसमें दी गई है। वर्णिका के पिता का ये ट्रांसफर ऑर्डर ऐसे वक्त में आया है जब छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश के आरोपी विकास बराला की जमानत अर्जी दूसरी बार कोर्ट ने खारिज कर दी। हालांकि सरकार इसे एक रूटीन प्रक्रिया बता रही है, लेकिन इससे ये भी साफ हो जाता है कि सरकार और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना कितना मुश्किल है, कैसे सिस्टम के आगे एक आईएएस पिता भी असहाय नजर आने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं अगली खबर अब बिहार से। जिस मोदी के नाम पर 2013 में बिदक गए थे नीतीश कुमार, आज उसी मोदी के हर सुर में सुर मिलाते हैं सुशासन बाबू। बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई की बात हो या फिर नोटबंदी का मामला, हर मुद्दे पर मोदी का सपोर्ट करते हैं नीतीश कुमार। पर अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर नीतीश ने मोदी की बात का समर्थन किया है। ऐसे में सियासी गलियारों में अब ये चर्चा है कि नीतीश ने कहीं इशारों इशारों में ये तो नहीं कह दिया है कि बिहार में वो विधानसभा चुनाव 2019 में लोकसभा चुनावों के साथ कराएंगे। क्या 2019 में मोदी नीतीश की दोस्ती रंग लाएगी? क्या 2019 के रण में मोदी नीतीश साथ साथ उतरेंगे? क्या 2019 में दिल्ली में मोदी और बिहार में नीतीश चुनावी महाभारत में उतरेंगे? क्या 2019 में लोकसभा के साथ साथ बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे? सवाल इसलिए क्योंकि सियासत में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना कोई हमेशा दुश्मन रहता है। टूटी हुई दोस्ती जब दोबारा सियासी धागों में बनती है तो रंग और ज्यादा चढ़ता है। बीती जुलाई में करप्शन के नाम पर लालू से दोस्ती तोड़कर नीतीश ने बीजेपी का दामन थामकर सबको चौंका दिया था। सीएम नीतीश अब पीएम मोदी की हर बात के मुरीद हैं, पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, मोदी के हर आइडिया को आगे बढ़ाते हैं। इसी फेहरिस्त में नीतीश की पार्टी ने 2019 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने पर सहमति जताई है। बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि अगर राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग के बीच सहमति बन जाती है तो जेडीयू भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए तैयार है। नीतीश और मोदी सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। पिछले साल मार्च में पीएम मोदी ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने की वकालत करते हुए कहा था कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ होने चाहिए, इस पर सभी राजनीतिक दलों को साथ आना चाहिए। साथ ही पीएम ने यह भी कहा था कि एक साथ चुनाव से सभी को कुछ नुकसान होगा, हमें भी होगा। आपको बता दें कि भारत में पहले भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो चुके हैं। 4 लोकसभा और विधानसभा चुनाव लगातार 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ हुए थे, लेकिन 1971 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने लोकसभा बंद कर दी थी, जिसके बाद यह सिलसिला टूट गया। नीतीश कुमार ने पिछले साल विपक्षी पाले में होने के बावजूद पीएम मोदी की नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया था। इसी साल जनवरी में पटना में पीएम मोदी ने शराबबंदी को लेकर नीतीश की तारीफ की थी। नीतीश ने भी गुजरात में शराबबंदी को लेकर मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। पीएम मोदी और नीतीश विकास के एजेंडे पर भी सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं। दोनों को अपनी छवि की भी चिंता रहती है। करप्शन को लेकर दोनों जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। नीतीश ने 2013 में बीजेपी के साथ 17 साल पुरानी दोस्ती तोड़ दी थी। दोनों नेताओं की अदावत कई बार खुलकर सामने आ चुकी है, लेकिन सियासत में
मौका देखकर चौका मारने का दस्तूर पुराना है। बीते 27 जुलाई को 24 घंटे के भीतर हाई वोल्टेज ड्रामे में नीतीश ने लालू को झटका देते हुए फिर से बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। नीतीश को मोदी फिर से अच्छे लगने लगे हैं, सुर से सुर मिलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं अब अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने स्कूलों के लिए एक फरमान जारी किया है। स्कूल के बच्चे अब यस सर और प्रेजेंट सर नहीं कहेंगे, बल्कि उन्हें अब जय हिंद कहना होगा। सिर्फ सरकारी स्कूल में ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए भी ये आदेश लागू होगा। सरकार के इस आदेश पर जहां कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, वहीं बच्चे इस आदेश से उत्साहित हैं। जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है इस वीडियो में, वो हिंदुस्तान की भगवा सियासत के चंद सिरमौरों की दिली ख्वाहिश है। क्लास के हाजिरी रजिस्टर में बच्चों के नाम पुकारे जाने पर यस सर के बदले जय हिंद का जय घोष सुनना शिवराज के सूबे के परम राष्ट्रवादी शिक्षा मंत्री को भी बड़ा सुहाना लगता है। मसला कुछ यूं है कि मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री विजय शाह को शायद ये सपना आया कि अटेंडेंस के दौरान स्कूल के छात्र यस सर नहीं बल्कि जय हिंद बोलेंगे। बयान एक फरमान की शक्ल में सामने आया। सबसे पहले सतना के सभी सरकारी स्कूलों के लिए आदेश जारी हुआ, इस तसल्ली के साथ कि सूबे के सभी स्कूलों में अब हाजिर होने का सबूत जय हिंद बनेगा। प्राइवेट स्कूल भी माननीय मंत्री की एडवाइजरी पर अमल करेंगे। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों में देश प्रेम की भावना रहे, हाजिरी लगाते, अटेंडेंस, बच्चे बोलते यस सर या यस मैडम, इससे क्या होता है यस सर यस मैडम। अभी हमने आदेश दिए हैं 1 तारीख से अब सब बच्चे जय हिंद सर। आइडिया नया था, राष्ट्रवादी राजनीति के मुफीद था, सो जमाने के सामने मंत्री जी ने इसका इजहार कर दिया। सोचा सरकार और सरदार से शाबाशी मिलेगी, लेकिन उल्टा सियासत का रंग ही बदल गया। कांग्रेसी खेमे ने आलोचनाओं के अस्त्र फेंकने शुरू कर दिए। विजय शाह पता नहीं किस उस समय होश में रहते हैं या नहीं रहते हैं, जिस समय उन्होंने कहा है, उनको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। वैसे अच्छी बात है, वंदे मातरम कहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को अपने सरकार के मंत्री पर कांग्रेस का ये हमला भला कैसे बर्दाश्त होता। पार्टी ने विरोधियों के मुंह पर फौरन अतीत के उदाहरण चस्पा कर दिए, याद दिलाई राहुल गांधी की और तुलना कर दी मौजूदा कांग्रेस और महात्मा गांधी की कांग्रेस के बीच। आज की कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस है, जिसमें गांधी भी ओरिजिनल नहीं है, और ओरिजिनल गांधी की कांग्रेस 47 के पहले की थी। तो महात्मा गांधी की कांग्रेस और राहुल गांधी की कांग्रेस में ये अंतर तो आ गया है। सारी लड़ाई क्लासरूम के भीतर बच्चों के मुंह से जय हिंद सुनने की। राजनीति को इस आइडिया में भविष्य का मसाला मिल गया, क्योंकि जय हिंद पर ऐतराज करने वालों के राष्ट्र प्रेम को परखने का ये सुनहरा मौका था। लेकिन बच्चे तो मन के सच्चे हैं, उन्हें सियासत की टेढ़ी चाल भला क्या समझ में आती, उनसे चाहे यस सर बुलवा लो या जय हिंद। हमारे देश का एक गर्व की बात होती है, हम जब जय हिंद का नाम लेते हैं तो हमारे देश के लिए जय हिंद ज्यादा ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के जवानों के लिए भी जय हिंद बोलेंगे तो उन्हें भी थोड़ा गर्व होगा, हमारे देश को भी गर्व होगा कि हम नाम ले सकते हैं जय हिंद जय भारत। हरिओम बोलने में हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होती है, जय हिंद कोई भी बोल सकता है पर हरिओम ज्यादा लोग नहीं बोलते। हाँ, वो हमें अपने भारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है कि हम भारत में हैं। वैसे सरस्वती स्कूलों में यस सर की बजाय हरिओम कहकर अटेंडेंस देने की परंपरा बरसों से है, और ये भी सच है कि क्लासरूम में जय हिंद बोलना किसी विवाद की वजह नहीं हो सकता। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति के आसमान में इस फरमान का मतलब सब जानते हैं, आप भी और हम भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं अब बात बलात्कारी बाबा की, जिसके बारे में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब राम रहीम को लेकर खुलासा हुआ है कि वो सत्ता में सीधे साझीदार बनने की हसरत पालने लगा था। वो अपने आशीर्वाद से सत्ता का समीकरण बनाता और बिगाड़ता था। वो किंग मेकर बाबा खुद किंग बनना चाहता था। उसने राजनीतिक दल बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन राम रहीम का ख्वाब पूरा होता उससे पहले ही वो काल कोठरी पहुंच गया। खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड कहने वाला बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम आज भले ही जेल की चार दीवारियों में अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब राम रहीम की चौखट पर बड़े बड़े सियासतदान नतमस्तक होते थे। राम रहीम के एक इशारे पर नेता ही नहीं
बल्कि सियासी दलों की हार जीत की स्क्रिप्ट तय हो जाती थी। गुरमीत राम रहीम यह दावा करता था कि देश भर में उसके 6 करोड़ भक्त हैं और इसी को राम रहीम ने अपनी राजनीतिक ताकत बना लिया था। इस वोट बैंक के लिए चुनाव से पहले डेरा हेडक्वार्टर में नेताओं की कतार लग जाती थी। पिछले कुछ चुनाव में राम रहीम का रुतबा किंग मेकर का बन गया था, लेकिन राम रहीम की चाहत किंग मेकर नहीं बल्कि खुद किंग बनने की थी और अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह अपना राजनीतिक दल बनाने की फिराक में था, जिसके लिए उसने तैयारियां भी शुरू कर दी थी। राम रहीम ने डेरा में एक राजनीतिक विंग का भी गठन कर रखा था। हरियाणा के 3 और पंजाब के 5 सदस्यीय क्षेत्रों के साथ हरियाणा के 2 दर्जन और पंजाब के 3 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में डेरा की राजनीतिक विंग की काफी मजबूत पकड़ रही है। ऐसे में सियासी जगत में कदम रखने की अपनी चाहत को पूरा करने के लिए राम रहीम ने अपना जनाधार तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसके लिए वो सामाजिक कार्यक्रमों का भी सहारा ले रहा था। बाबा ने अपनी निजी सेना भी बना रखी थी, जिसमें एक कुर्बानी दस्ता भी शामिल था, जिसका ब्रेन वॉश खुद राम रहीम ने किया था। लेकिन साध्वी रेप केस में सीबीआई अदालत के फैसले ने राम रहीम के सियासी ख्वाबों पर ग्रहण लगा दिया। 20 साल की कैद के फैसले के साथ ही राम रहीम के किंग मेकर से किंग बनने के अरमानों पर पानी फिर गया और संत का चूल्हा उड़कर कुकर्म करने वाला राम रहीम सियासी जगत की जगह जेल पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे कर्ज माफी के नाम पर यूपी में योगी सरकार ने किसानों के साथ किया है एक भद्दा मजाक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे पावर प्ले की। इसमें हम बात करेंगे उन खबरों की जो कुछ अलग हटकर है, ऐसी खबरें जो पर्दे के पीछे हैं लेकिन बेहद दिलचस्प हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति अजीत सिंह पर नियम और प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप गुवाहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लगाया है। आरोप है कि चीफ जस्टिस ने आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को अपनी कार में बिठाकर खुद गाड़ी चलाकर एयरपोर्ट तक पहुंचाया है। ऐसा करते हुए उनकी तस्वीर भी सामने आई है। LiveLaw.in के मुताबिक यह घटना 5 सितंबर की है, जब श्री श्री रविशंकर गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के मूल निवासियों के जन समागम में हिस्सा लेने आए थे। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने फैसला किया है कि एसोसिएशन की अगली आम सभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। इसके अलावा बार एसोसिएशन के लोग इसकी शिकायत देश के मुख्य न्यायाधीश से भी करने पर विचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की डिप्टी कलेक्टर अनुराधा अग्रवाल अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति को लेकर अब मुसीबत में घिर गई हैं। अनुराधा अग्रवाल केबीसी में भाग लेकर वापस लौट आई हैं, लेकिन वापस आते ही उन्हें पता चला कि केबीसी में भाग लेने के लिए जो छुट्टी का आवेदन उन्होंने राज्य सरकार को दिया था वह स्वीकार नहीं हुआ था। सरकार ने बगैर कारण बताए केबीसी में भाग लेने पर मना कर दिया था। ऐसे में अब अनुराधा के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अनुराधा का तर्क है कि उन्होंने शो में हिस्सा लेने के लिए कलेक्टर से लिखित में अनुमति ली थी, जिसके बाद ही वो मुंबई के लिए रवाना हुई थी। केबीसी के जिस शो में अनुराधा ने हिस्सा लिया था उसका प्रसारण 20 सितंबर को होगा। मुंबई की चकाचौंध देश भर के लोगों को अपनी ओर खींचती है, लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जिसने 70 से ज्यादा फिल्मों में छोटे बड़े रोल करने के बाद न केवल मुंबई को अलविदा कह दिया है, बल्कि आजकल वो मुंबई की चकाचौंध से सैकड़ों किलोमीटर दूर हिमालय की वादियों में एक छोटे से गुमनाम गांव में रह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुन्ना भाई फिल्म में बेहद छोटे से रोल से अपनी छाप छोड़ने वाले सुरेंद्र राजन की। सुरेंद्र राजन एक जाने माने चित्रकार और फोटोग्राफर भी हैं, लेकिन आज 75 साल की उम्र में सुरेंद्र शहर छोड़कर पिछले 4 साल से हिमालय के सबसे आखिरी गांव खुन्नू में रह रहे हैं। सुरेंद्र वहां पत्थरों से बने एक कमरे के घर में रहते हैं, जिसे उन्होंने एक रिटायर्ड फौजी से मांगा है। गांव में जाने के लिए तकरीबन 17 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना पड़ता है, इसीलिए वे 3-4 महीनों में एक बार शहर आकर साबुन तेल जैसे सामान खरीदते हैं। सुरेंद्र राजन ने अखबार टीवी और इंटरनेट सभी से दूरी बनाई है।
सरकार ने अब मोबाइल नंबर को आधार लिंक करना जरूरी कर दिया है। अगर दोनों को लिंक नहीं करेंगे तो 28 फरवरी 2018 के बाद आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि मोबाइल को आधार से लिंक करने से न केवल फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी बल्कि इससे देश की आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। इससे अपराध और देश विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगेगी। भारत में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन यूजर्स हैं, लेकिन इसमें 90% से ज्यादा यूजर्स प्रीपेड कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है जिससे इन मोबाइल सिम को भी आधार से जोड़ा जा सके। हालांकि कुछ लोग सरकार के इस कदम से थोड़ा घबराए हुए भी हैं। उनका मानना है कि मोबाइल फोन को आधार से लिंक करने से कहीं उनकी निजी जिंदगी में तो सेंध नहीं लग जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से इस तरह की आशंकाओं को निराधार बताया जा रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में लागू हुए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से लोग इतने प्रभावित हुए हैं कि चाहते हैं कि इस व्यवस्था को आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। गुजरात के सूरत की एक महिला को जीएसटी की व्यवस्था इतनी पसंद आ गई कि अपनी तीनों नवजात बेटियों का नाम उन्होंने जी, एस और टी के हिसाब से रख दिया। उनकी बेटियों के नाम है गारावी, सांची और तारावी। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जहां नवजात का नाम जीएसटी से प्रभावित होकर रखा गया हो। इससे पहले 30 जून की रात जब अगली सुबह जीएसटी लागू किया जाना था, राजस्थान में पैदा हुई एक बच्ची का नाम जीएसटी रख दिया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में 1 जुलाई को जन्मी बच्ची का नाम जीएसटी रखा गया। इसी दिन जीएसटी लागू हुआ और छत्तीसगढ़ में जीएसटी का जन्म हुआ। सड़क किनारे पानी पूरी के स्टॉल को देखकर अक्सर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन अनहाइजेनिक होने के कारण काफी लोग सड़क किनारे पानी पूरी खाने से बचते हैं। लेकिन अब मणिपाल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसका तोड़ खोज निकाला है। मणिपाल यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के छात्रों ने एक ऐसी वेंडिंग मशीन बनाई है जिससे बिना हाथ लगाए पानी पूरी तैयार होकर आपके हाथ में आ जाएगी। इस मशीन को हाल ही में एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार भी मिला है। पूरी तरह ऑटोमेटिक इस मशीन को तैयार करने में छात्रों के ग्रुप को करीब 6 महीने का वक्त लगा। हो सकता है कि जल्द ही ये मशीन आपको मॉल्स से लेकर आम बाजारों तक देखने को मिले। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज आपकी सरकारों तक पहुंचे, इसलिए आप जुड़िए हमारे साथ। अगर आपसे या आपके आसपास से जुड़ा कोई मुद्दा हो जो आप उठाना चाहते हैं तो हमें भेजिए अपनी समस्या और सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8588880811। हम अपने कार्यक्रम में उठाएंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपकी सरकारों तक। तो देखते हैं क्या एक खास आज चुनिए सरकार ने। प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर यूपी की सत्ता में आई बीजेपी ने सबसे पहला और बड़ा ऐलान किया था कर्ज माफी का। किसान भी अच्छे दिन का ख्वाब देखने लगे थे। योगी सरकार को अपने इस वादे को अमल में लाने में 6 महीने का वक्त लग गया, पर जब कर्ज माफी का सर्टिफिकेट बांटा गया तो उसे देखकर किसानों के होश उड़ गए। दरअसल जिन किसानों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का कर्ज था, उन्हें कर्ज माफी हुई उनकी 2 रुपए, 4 रुपए और 15 रुपए की। किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सुनिए सरकार में आज हम यूपी सरकार के सामने सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसानों के साथ इस तरह का भद्दा मजाक क्यों किया गया। हम लोगों ने उसको रोका और उस पैसे को रोक करके आज हम किसानों के फसली ऋण को माफ करने का कार्य कर रहे हैं। सुनिए सरकार, आपने अन्नदाता का कर्ज माफ करने की मुनादी की, आप किसानों को कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप सरकार की तारीफ में जमकर कसीदे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सुनिए सरकार, हकीकत बहुत कड़वी है। ये मायूस चेहरा, ये बूढ़ी आंखें आपसे कह रही हैं ये कर्ज माफी नहीं है, किसानों का मजाक उड़ाया है, किसानों के साथ धोखा हुआ है, किसानों के भरोसे को तोड़ा गया है। इटावा के भरथना तहसील के नगला गांव में रहने वाले रमेश यादव को लेखपाल ने कर्ज माफी का सर्टिफिकेट दिया। 1 लाख रुपए का कर्ज माफ होना था लेकिन सर्टिफिकेट महज 3 रुपए का मिला है। 3 रुपए माफ हुआ है, 3 रुपए माफ, 3 रुपए
योजना तो कुछ ज्यादा ही थी, 1 लाख रुपए की योजना थी, लेकिन 3 रुपए के सरकार ने माफ की। तो क्या लग रहा है आपको? ये मजाक कर रहे हैं, सब गांव के मजाक उड़ा रहे हैं कि ये सरकार ने केवल 3 रुपए माफ किए। बैंक के कर्ज के बोझ के तले दबे रमेश को सरकार से आस थी। पूरा परिवार उम्मीद लगाए बैठा था कि 1 लाख का कर्ज उतर जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन कर्ज माफी के नाम पर मिले 3 रुपए के सर्टिफिकेट ने जख्मों पर नमक लगाने का काम किया है। पूरे गांव में रमेश और उसके परिवार का मजाक उड़ाया जा रहा है। केसीसी 1 लाख रुपए का था और जो ऋण माफी का सर्टिफिकेट मिला वो 3 रुपए का है। 3 रुपए का? क्या लग रहा है सरकार मजाक बना रही है किसानों का कि इस तरीके से? तो मजाक तो उड़ा ही रही है, 3 रुपए माफ करने की क्या जरूरत थी? इटावा में 9527 किसानों को 58,29,00,000 रुपए के कर्ज माफी के चेक बांटे गए, लेकिन ऐसे कई किसान हैं जिन्हें 1 रुपए, 10 रुपए और 18 रुपए का सर्टिफिकेट मिला है। सुनिए सरकार, आपके अफसर सरकारी सफाई दे रहे हैं, सर्टिफिकेट में छपाई की गलती बता रहे हैं, जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन कर्ज माफी जिन किसानों के लिए मजाक बनकर रह गई है, उनके आंसू कौन पोछेगा? देखिए, इसमें आज अखबारों से हम लोगों को भी इसकी सूचना मिली है, अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो उसकी जांच की जाएगी, क्योंकि बैंक से किसका लोन था और लोन में 1 लाख रुपए तक का माफ होना था, वो सॉफ्टवेयर को अपने आप उठाना था, उसमें किसी मैनुअल तो होना नहीं था, कहां गलती हुई है, इससे प्रकरण आएगा सामने तो उसको देखा जाएगा। आपको बता दें, योगी सरकार ने ऋण माफ करने का जो नियम बनाया है उसके तहत जिन किसानों के खाते में 31 मार्च 2016 तक जितना बकाया था उतना कर्ज माफ किया गया है, साथ ही ये रकम 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए थी। बिजनौर के किसान भी कर्ज माफी योजना को धोखा बता रहे हैं। बीती 8 तारीख को सूबे के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यहाँ किसानों को कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांटे थे, लेकिन किसानों का 42 रुपए, 50 रुपए और 9 पैसे का कर्ज माफ हुआ है। किसानों के साथ धोखा दिया जा रहा है, छल किया जा रहा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले घोषणा कर दी थी किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ होगा, उसके बाद भी किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री की बात को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, तो आम किसान क्या करे, आत्महत्या करे, क्या करे? आम किसान तो बड़ा परेशान है, इस तरह हमारा मानसिक शोषण उत्पीड़न हो रहा है। और किसान केवल मतलब कि न्यूज़ दिखा दिखा करें कि हम 1 लाख का कर्ज माफ कर रहे हैं या उसका कर रहे हैं, केवल 55 रुपए का कर्ज माफ हुआ है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा हमारे पैसे बनवाने में, उसके कागज वगैरह सर्टिफिकेट बनवाने में लग गए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो पा रहा। और छोटे किसान कर्ज माफी योजना मजाक बनकर रह गई है, लेकिन अफसरों के पास कोई जानकारी नहीं है, बैंकों से जवाब मांगने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। 145.98 करोड़ है और बाकी 127 किसानों का अभी कतिपय कारणों से उनका अंतरण संभव नहीं हो पाया है। बाकी जो जहां तक कुछ पैसे अंतरण की बात है, इसकी जानकारी चूंकि हमें नहीं है, अगर जानकारी होगी तो उसकी जानकारी आपको उपलब्ध की जाता है। सुनिए सरकार, ये सिर्फ 3 रुपए, 10 रुपए, 18 रुपए की टीस नहीं है, हंसी का पात्र बने किसानों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। बेबस परेशान देश का किसान कह रहा है, हमारे साथ सरकार ने धोखा किया है, सरकार ने ठग लिया है। वो पूछ रहा है क्या करें, कहां जाएं, किससे फरियाद करें। इटावा से हरिओम त्रिवेदी और बिजनौर से वसीम अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।